देश के उत्तरी इलाके यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से प्रदेश में सर्दी का आगाज हो गया है। ऐसे में सुबह शाम मौसम में ठंडक घुल गई है, लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। दिन व रात के तापमान में लगातार गिरावट आने से सर्दी का जोर बढ़ने लगा है। मारवाड़ में भी ठंड की दस्तक हो गई है, तो वहीं दोपहर में हल्की धूप खिलने के बाद में अब वह सुहानी लगने लगी है। सर्दी के बढ़ने के साथ ही लोगों की दिनचर्या पर भी खास प्रभाव पड़ा है। बुधवार सुबह सर्दी के चलते जोधपुर शहर में कोहरा छाया रहा। हालांकि शहर के अंदर धूप निकलते ही शहर में सुबह का तापमान 25 डिग्री तक बना रहा। हल्की धूप भी खिली रही, हवा की गति भी मंथर थी। कार्तिक मास के चलते सुबह जल्दी मंदिर जाने वाली महिलाओं ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। हालांकि दिन में धूप तेज होने से गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास भी होने लगा है। जोधपुर शहर में अल सुबह व शाम के बाद तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले कुछ दिनों में बादलों की आवाजाही हुई है, तो वहीं इसमें बादल कम होने के बाद में हवाओं की दिशा भी बदल गई है और अल सुबह ठिठुरन होने लगी है। शहर और इसके आसपास बुधवार को भी अल सुबह शहर में ठिठुरन रही और शहर का न्यूनतम तापमान एक साथ करीब 4 डिग्री उतर गया। जोधपुर में शाम के बाद में फिर से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया। दिन में धूप खिलने से पारा जरूर चढ़ा, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन बाद सर्दी के बढ़ने के आसार जताए हैं। बर्फबारी और बारिश के बाद में सर्दी में इजाफा हो सकता है। दिवाली के बाद सर्दी का असर और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।